YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो फिर आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से होने वाला है। कैसे होने वाला है ये तो आप पूरा ब्लॉग देखकर ही पता चलेगा कैसा है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तो मैं रेडी होती हूँ, फिर रेडी होके फिर मिलते हैं और फिर पता चलेगा आपको किस तरह से होने वाला है आज का ब्लॉग। हाँ, सेकंड बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी मतलब मन नहीं होता वीडियो शूट करने का, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। सोच अपने वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ मेरे फैंस हैं, फ्रेंड्स बोलो जो भी बोलो, यूट्यूब फैमिली बोलो, वो चाहती है कि मैं उन लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो या फिर डेली ब्लॉग्स मैं लेकर आऊँ। अगर मैं जिस दिन नहीं डालती या काफ़ी टाइम हो जाता है मैं अपलोड नहीं करती हूँ तो मेरे पास मैसेज आने लगते हैं कि आपके ब्लॉग नहीं आया। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बट हाँ जो भी हैं उनमें से कुछ का तो मेरे पास मैसेज आ ही जाता है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए और मेरे को जो पसंद कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सारे वीडियोज आप देख लीजिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं किस तरह के ब्लॉग्स लेकर आऊँ। आप मेरे जो पास्ट में मैंने अपलोड किए हुए हैं आप चेक कर लीजिएगा। पहले मैंने मेकअप वगैरह से रिलेटेड वीडियो शेयर किए थे, लाइफ स्टाइल फैशन से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही थी मैं। फिर उसके बाद मेरे फूड ब्लॉग्स आए, फूड ब्लॉग्स में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फैशन लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस में भी अच्छा रिस्पॉन्स था। बट फिर मैं अब डेली मैं वो सब नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना डेली ब्लॉग कर लूँ, तो मैं डेली ब्लॉग करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कौन से ब्लॉग्स मेरे बेस्ट हैं, तो फिर मैं उन्हीं पे वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ना, कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय, फिर मिलते हैं रेडी होके। मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इस मौसम में हम लोग निकल पड़े हैं कहाँ के लिए? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो हम जा रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहाँ पे आपको वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे पहुँच कर ही बता सकती हूँ मैं क्या क्या है, क्योंकि मैं इतने साल हो गए जयपुर में रहते हुए, मैं भी खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो ये है हमारे लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे उमस वाला मौसम हो रहा है और अरे यार हमें ये निकालो। और ये हन्या मेरी मैच है और ये है रवि जी, और कुछ बोलो। हेलो, चलो आपको जंगल सफारी कराते हैं आज। जंगल सफारी? बायोलॉजिकल पार्क में तो वो जंगल ही है। देखते हैं क्या है अंदर। तो फिर वहीं पे पहुंच के मिलते हैं। बहुत ही अभी मैं लगा लेती हूँ मैप। बाय। यहाँ पे जलधारा के पास काफ़ी टाइम हो गया खड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बस हम वहीं पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब खुलेगा। तो इसने मैं हानिया सोनी का अपना प्लान कर रही है कि उसे नींद आ रही थी, हानिया अपनी सोनी की व्यवस्था कर रही है, ये देखो खुद। और ये अब गाड़ी चलने लगी हमारी। तो यहाँ पे देखो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। इस मौसम में भी घर पर रहने का तो मन नहीं था, तो फिर सोचा क्यों ना हानिया को भी विज़िट करा लिया जाए। बच्चों को ज़ू ले जाना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इस ऐसी जगह पे जाना बच्चों के लिए। वाव, क्या वेदर है, आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है, और साथ में ये वाइट वाला मंदिर। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो भी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इसलिए मैं वहीं पर कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मतलब बच्चों को इस ऐसी जगह पर ले जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। सो गया बेटा। बता रही थी आप, भूल जाती हूँ। हाँ, तो बच्चों को हर चीज़
आपको दिखाना, मतलब मैं चाह रही थी कि हाँ सारे एनिमल्स देखे। इसको टाइगर देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं टाइगर दिखाने के लिए स्पेशली इसको लेके गई। और भी एनिमल्स थे, बेयर हुआ और लाइन, ये सब चीज़ें मैं हानिया को दिखाना चाहती थी। इसलिए हम पहुंच चुके हैं अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, तो यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल्स। अभी हम जा रहे हैं अंदर, पहले तो से टिकट्स पूछता हूँ लेंगे पार्किंग वाले से, वो कवर नहीं। और फिर देखते हैं। आई एम सो 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 एक्साइटेड आने ऑल्सो, है ना आने, आर यू एक्साइटेड? अभी तो यहाँ पर रवि जी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने गए हैं, और यहाँ पे हाने कर रही है बेसब्री से इंतजार। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं अंदर एंटर, तो हम जा रहे हैं अंदर गाड़ी से। हानिया जंगल में देखो, जंगल इधर देखो, इसमें बहुत ज्यादा टाइगर रहते हैं। वो देखो अंदर, देख बाहर देखो, वो अंदर चले जा रहे हैं। अंदर आ जाएगा गाड़ी में, देखो यहाँ से ऑटोज जा रहे हैं। एंटर होते ही हमने देखे क्या खा यहाँ पे रही है? दो और प्यारे से क्यूट पहली बार बियर, लाइव और बहुत ही अच्छा लगा, सबसे पहली अच्छा बार लगा लाइव देख मुझे रही हूँ उन मैं लोगों को तो। देखा, अपने आप में मस्त थे, एंजॉय कर रहे थे दोनों खुद में ही, ये और ऊपर बहुत नहीं आ अच्छे पाते से क्या? दिखाई दिए, तो अच्छा लगा। और हानिया ने भी पहली बार देखे वाओ, सामने से इस तरह से लाइव, तो काफी अच्छा लगा। तो फिर अब देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो इस मौसम में यहाँ पे क्रोकोडाइल, इधर क्रोकोडाइल मिलेगा, मगरमच्छ। देखा आपने, हानिया ने पहली बार देख रही है ना, ओ यहाँ पे दो दो हैं देखो। एक तो पानी में पड़ा है, दिख रहा हो? कैसा लगा है क्रोकोडाइल? टाइगर आगे नहीं, हाँ नया क्रोकोडाइल में इंटरेस्टेड है ही नहीं।
बटरफ्लाई का फोटो खींचा लो यहाँ पे। तो ये है सांबर डियर्स, हनी इन निशानों के पीछे करते हुए जा रही है। वो सोच रही है कि यहाँ ये टाइगर के पैर के निशान है जो कि आगे तक जाएंगे, तो बस उसका पीछा करते हुए जा रही है। पर इसको नहीं पता ये पेंट किए हुए हैं। आओ जल्दी, आओ जल्दी। कृष्ण मृग ये देखो, कितने प्यारे हैं ये, प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखो, इनको डर भी नहीं लगता। कुछ खा रहे हैं, देखो देखो देखो, दाना खा रहे हैं। देखो उनका डर भी नहीं लगता, नहीं तो भाग जाते हैं ना ऐसे नॉर्मली। देखो देखो देखो, ये बिस्किट खा रही है, ये क्या खा रही है? उसमें भैंस। वाओ, एकदम नेचुरली ये घोंसला बनाया हुआ है। बया के घोंसले, बया के घोंसले। ये चिड़ियों ने कितना सुंदर बनाए हुए है ना, देखो कितने सारे ये बनाए हुए। हाँ, ये असली में ही बनाए हुए होते हैं उनके, चिड़ियाओं ने बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे टाइगर है, वो बहुत आलसी हो रखा है, अभी तक कोई जगह नहीं रहा, बहुत बड़ा है। सब टाइगर देखने के लिए हानिया, आप लोगों को दिख रहा है ये रहा टाइगर, पर वो अपनी गुफा में सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश हो रही है। यार इतना आलसी कौन होता है? वो भी टाइगर था। पीछे की तरफ गया है। ये उनका घर है, ऐसे घूम रहा है। ओ। और यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा था। आप जू को देखने के साथ साथ में आप अपने बच्चों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हो, और बहुत अच्छी आउटिंग भी हो जाएगी अगर मौसम अच्छा हो तो। पिकनिक भी मना सकते हो क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बैठने के लिए जगह भी थी, मतलब अच्छा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे खाना वगैरह लेकर आए थे और हमने कुछ रील्स भी शूट की, तो आप हमारी रील्स देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूँगी। और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हट बनी हुई है ऊपर लकड़ियों की, देखो यहाँ से पूरा हमें जंगल दिखेगा। आप भी देखिए ये दूर दूर तक जंगल। चलो अभी दिखाते हैं अब आपको कितना प्यारा मौसम, बिल्कुल और पूरा जंगल। तो अभी हम बैठ गए हैं, हम काफी ज्यादा थक गए थे और धूप भी हो गई, तो अभी हम थक चुके हैं और थोड़ा बड़ा यहाँ मतलब अंदर तक तो यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है खाने का। हाँ, नेहा को फ्लावर्स पसंद है, वो फ्लावर्स ढूंढ रही है। ये देखो, और रवि जी ये बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और ऊपर किसके नजारा देखो कितना, और ये देखो बर्ड्स, यहाँ पे सारे बर्ड्स वगैरह इतनी फ्रेंडली है ना, उन्हें डर नहीं लगता कि मतलब हम लोग पकड़ लेंगे ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में तो उनका ही घर है एक तरह से, तो वो आराम से इंजॉय करते हैं। हम लोगों के बीच में भी भागते नहीं है,
पार्क से बाहर आ गए हैं, अब हम जंगल को इसको पार करके और मेन स्टैंड पे पहुंचेंगे। ये देखो जंगल दिखाओ सामने, जंगल दिखाती हूँ। और हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये है चारों तरफ घना जंगल नाहरगढ़ का, है ना, नाहरगढ़ की पहाड़ियों में बीच में से ये निकल रहे हैं हम लोग। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, ठीक है, कहते हैं बायोलॉजिकल पार्क को बाय बाय, और इसी के साथ करते हैं हम वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बहुत अच्छे से हमने विजिट कर लिया और मजे आए, एंजॉय किया। कब तक रील्स